नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्माण। चलते हैं बागपत की ओर, जहां चमरावल गांव में पहुंची कांग्रेस की टीम। नकली शराब से मरने वालों के लिए सरकार से मांगा 10 लाख का मुआवजा। बागपत जनपद के चमरावल गांव में नकली शराब से मरने वालों की संख्या 7 पर पहुँच गई है। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल गाँव में पहुँचा। हालांकि गाँव में पहुँचने से पहले पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को पीड़ितों से बातचीत करने की इजाज़त दी गई थी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस प्रतिनिधि मंडल को चमरावल गांव में स्थिति का आकलन लेने के लिए भेजा था। कांग्रेस का यह प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी के नेतृत्व में गाँव में पहुँचा। बागपत से मेहंदी हसन की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। हमारी जांच में हमारी उससे क्या हमारी जांच हमारे हम यहाँ आ गए ना, नहीं तो आप जांच करिए। गलत आ गए, हमें गलत होना, आपके फेलियर पे आना पड़ा हमें, गलत आए ना। हम खाली आते पूरे यूपी में निरंतर चल रहा है मामला, और चीज जांच का विषय चल रहा है, ठीक है, वो जांच का विषय। ये बात सुन मेरे पास कल से पढ़ रही है, सब लोग यहीं रुक जाते हैं विधायक जी, चार पांच लोग हैं हमारे, पीछे क्या कर रहे हैं? चलो बताओ, हम कोई माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते, न हम किसी किस्म के यहाँ नारेबाजी या कोई जिंदाबाद है ना कोई मुर्दाबाद है, कुछ नहीं है। आप हमारे साथ यहाँ सब कुछ जाएगा ना, केवल मैं जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ बात करते हैं। चार आदमी मैं आज आप चले जाएंगे, हमारे देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर सभी संपत्ति जिताएंगे, सबके यहाँ पे प्रजा है, सभी की है, सभी के लोग हैं। हम अपनी व्यवस्था देखें या COVID-19 उसका डिस्टेंस देखें या धारा 144 को देखें, हैं तो फिर बताएं आप, नहीं दल में तो आए ना, तो फिर इस समय ये माहौल पार्टी वाला आए थे भाई, हमें आज के ताजा सपा वाले आए थे यहाँ पे, जब मस्जिद सपा के लोग आए थे उनको आपने नहीं रोका, कोई नहीं आया, अरे आए क्या अखबार में देख लो, सब लोग हमें पूरे समय पर हमसे कह रहे हैं अखबार का हम नहीं, हम ये तो ऑथेंटिक प्रश्न यहाँ पे है, मैं ये जिम्मेदार नहीं हूँ, यहाँ बैठे हम तो दो आदमी पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोग जुलम की टक्कर पर योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप दो
दो लोगों के लिए कह रहे हैं, दो लोग चले जाते हैं। आप दो काम बता ही रहे हैं, दो लोग चले जाएंगे। आपका उन पे विश्वास नहीं है? ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे, हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। दो चले जाए, मैं और कोई साथ नहीं जाएगा भाई, आपका सम्मान कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, हमारे आप माननीय है। मैं सरफराज अहमद एडवोकेट, जिला महासचिव कांग्रेस। पिछले दो दिन से बागपत जिले के चमराल गांव में मौत का खेल खेला जा रहा है। ये कहे कि मौत का तांडव खेला जा रहा है। वहां पर 6 लोगों की मौत हो चुकी है, ये कहें कि कल एक हुई है, 7 मौत हो चुकी हैं और 7ों की 7 जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। हम उन परिवारों से मिलकर आए हैं। उन सभी का ये कहना था कि हमारी जो घर में जो मौत हुई हैं वो शराब पीने से हुई हैं, और सबकी मरने से पहले आंखों की रोशनी गई है और मुंह से झाग आए हैं, और मुंह के झाग तब निकलते हैं जब आदमी ने कोई जहरीला पदार्थ खाया हो। इसका मतलब तो यह है कि वो शराब ही जहरीली थी, और ये जो जहरीली शराब जो बिक रही है गाँव के अंदर, गाँव वालों का खुद का कहना है कि प्रशासन की मिली भगत है। वो हमने भी कल देखा है, क्योंकि हमें वो प्रशासन ने वहाँ कल जाने से रोका था, और उस हमारी जो प्रशासन है बागपत प्रशासन या कहें उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन, वो उनको पूरी लिपा पोती पर लगा हुआ है कि वो शराब पीने से नहीं किसी और कारणों से मरे हैं। मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, जो आप ये मौत का खेल खेल रहे हैं, मौत का खेल खेलना बंद करें। ये प्रजा समझ चुकी है कि सरकार निकम्मी और बेकार है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है, और हम सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम लोगों की जान से आपको लोगों को नहीं खेलने देंगे। मोदी सुधर जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं कि लोग सड़कों पर उतरकर आपको गाली देंगे और मारेंगे भी।